In the similar manner, after conceptualizing oxidation potential, the similar fashion, let's conceptualize reduction potential. मैं बात को once again जो मैंने कॉपर जिंक के केस में देखा था कि कॉपर आयन रिड्यूस होता है, तो मैं क्यों ना कॉपर से ही समझाता हूं. हम वंस अगेन एक्वेस कॉपर सल्फेट लेते हैं. And it's tipped with copper rod. इस डिवाइस की खास बात है, इसमें ढेर सारे ऑक्सीडाइजेबल कॉपर एटम भी है जो कॉपर रॉड पर प्रेजेंट है, और ढेर सारे रिड्यूसिबल कॉपर आयन भी जो सोल्यूशन के अंदर. सच अ डिवाइस वी कॉल इट कॉपर हाफ सेल. इस कॉपर हाफ सेल में सॉल्यूशन के अंदर जो ढेर सारे कॉपर आयन है, उनकी टेंडेंसी है, उनकी इच्छा है कि कहीं से उनको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो कॉपर एटम बना ले, बन जाए. यह जो कॉपर आयन है, यह चाहते हैं कि कहीं से इन्हें दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वह कॉपर एटम बना ले और रॉक पर डिपॉजिट हो जाए. ऐसी कॉपर आयन की इच्छा है, टेंडेंसी क्यों है, काहे को है, ये नहीं पता, बस है. और कॉपर आयन की इस इच्छा को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन. इस रिएक्शन की टेंडेंसी को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन. ये उसकी केमिकल अर्ज है, केमिकल टेंडेंसी. कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक साइज, उसका आयोनिक साइज, उसकी वजह से ऐसी कुछ टेंडेंसी है. और अपनी इस टेंडेंसी की वजह से कुछ कॉपर आयन ऐसा करते भी हैं, वह रिड्यूस हो जाते हैं. कैसे? सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन घूम रहे थे, इसको इस कॉपर रॉड के ऊपर ढेर सारे सरफेस इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं. ये वही सरफेस इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से कॉपर इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ढेर सारे सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को देखकर कुछ कॉपर आयन उस रॉड पर जाकर चिपक जाते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं. मगर जब वह ऐसा करते हैं तो कॉपर आयन के रॉड पर डिपॉजिट हो जाने से कॉपर रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वह कॉपर आयन जब रॉड पर डिपॉजिट हो जाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन छोड़कर चले जाएंगे. और देखिए वहां पर कॉपर आयन के रिड्यूस हो जाने से, हम कहते हैं कॉपर आयन रिड्यूस हो गया, सॉल्यूशन के अंदर का कॉपर आयन वो रॉड पर दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल बना लिया, तो रॉड पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, कॉपर आयन लेकर आया, और कॉपर आयन जो सल्फेट आयन सॉल्यूशन के अंदर छोड़ गया, उसकी वजह से सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया. इस तरह से वहां पर चार्ज सेपरेशन, चार्ज डिफरेंशियल क्रिएट हो चुका है. इस चार्ज सेपरेशन या चार्ज डिफरेंशियल के क्रिएट हो जाने से वहां पर एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है. रिवर्स क्यों? क्योंकि अब अगला कॉपर आयन जब रिड्यूस होना चाहेगा तो रॉड का पॉजिटिव चार्ज उसे रिड्यूस नहीं होने देगा, उसे दूर खींचेगा, धक्का देगा, और सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज उसे जाने नहीं देगा. वहां पर एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है जो अब इस फिनोमेना को अपोज करेगा. मगर फिर भी रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है वो काफी कम है, कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा है. और कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल चूंकि ज्यादा है, इसलिए कॉपर आयन रिड्यूस होता जाएगा, और कॉपर आयन के रिड्यूस होते जाने से इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा. हम कहते हैं
कॉपर आयन के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, मगर रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ते जाना, रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बढ़ते जाने से अल्टीमेटली एक ऐसी कंडीशन आएगी जब रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इतना अधिक हो जाएगा कि उसके बाद एक भी कॉपर आयन रॉड के पास आके रिड्यूस होना चाहेगा तो रिड्यूस नहीं हो पाएगा। कॉपर रॉड का पॉजिटिव चार्ज उसको करीब नहीं आने देगा, सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज से दूर नहीं जाने देगा। वहां पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाएगी। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कॉपर आयन रिड्यूस हो रहे हैं अपने रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से, और कॉपर एटम ऑक्सीडाइज होंगे रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से। जितने कॉपर रिड्यूस हुए उतने ही कॉपर एटम ऑक्सीडाइज भी हो जाएंगे। वहां पर फिनोमेना बिल्कुल रुका हुआ दिखेगा। इस कंडीशन पर हम कहते हैं रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल एंड अपोजिट टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन। इस कंडीशन पर किसी तरह से यदि हम सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मेजर कर ले तो वही रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन, वी मे रिड्यूस इट इन, वी मे रिप्रेजेंट इट इन दिस मैनर। इस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई ऑफ CO2 पॉजिटिव टू CU, CO2 पॉजिटिव टू CU, दिस वुड बी नोटेशन फॉर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन। वंस अगेन यह जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन है यह कॉन्स्टेंट नहीं होगा, दिस फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन थ्री फिजिकल पैरामीटर्स, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग आयन, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। In order to account for this, once again, we define a standard condition. हम 1 molar aqueous copper sulfate ले लें, इसे 25 degree centigrade और 1 atmosphere pressure पर रखें। इस condition पर बनाए गए cell को हम कहेंगे standard copper half. इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम हाफ सेल बनाएं और इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेजर करें, उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन। विल डिनोट इट इन दिस मैनर, ई नॉट ऑफ CO2 पॉजिटिव टू CU। Once again, this is reduction potential of copper ion measured at any random condition, and this is reduction potential of copper ion measured at a standard condition, that is at 25 degree centigrade, 1 atmosphere pressure, concentration of copper sulfate. These two values at any random condition and at standard condition, they may be related to Nernst equation. We have got Nernst equation. It relates the two values like this. Reduction potential of copper ion at any random condition is equal to the standard reduction potential of copper ion minus RT by NF ln of equilibrium constant definition of the reaction Cu upon CO2 positive. I may rewrite it in this manner, E of CO2 positive to Cu is equal to E naught of CO2 positive to Cu minus 2.303 RT by NF
log to the base 10 of copper upon copper ion. Here n is number of electron transferred. N is number of electron transferred and it's equal to 2. And active mass of copper is 1. 25 degree centigrade, one can always write reduction potential of copper at any concentration is equal to reduction potential of copper at a standard condition minus 0.0591 by 2 log of 1 upon copper ion concentration. In this manner, we may conceptualize reduction potential of copper ion. Copper half cell construct करेंगे, उसमें dynamic equilibrium establish करेंगे और dynamic equilibrium condition पर हम reverse electrostatic potential measure करेंगे. और वहां जो reverse electrostatic potential है उसी को हम reduction potential of copper ion कहेंगे. Random condition पर measure करा तो ऐसे लिखेंगे, standard condition पर measure करा तो ऐसे लिखेंगे. और उसे नास्ट इक्वेशन के द्वारा इस तरह से हम रिलेट कर रहे हैं. पुट इट डाउन नाउ. इन दिस मैनर वी मे कंसेप्चुअलाइज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी रिड्यूसिबल स्पीशीज. लेट मी जनरलाइज दिस कंसेप्ट. इफ क्यू इज अ Q plus M is a reducible ion. यह M electrons absorb करके Q में reduce हो सकता है. Q plus M की इस tendency को हम कहेंगे reduction potential of Q plus M. हम इसे आसानी से कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं. इसे कंसेप्चुलाइज करने के लिए हमें Q हाफ सेल बनाना होगा. हम Q CLM ले लें और इसमें Q मेटल की रॉड डिप कर दें. दिस वुड बी कॉल्ड Q हाफ सेल. हम कहेंगे इस Q हाफ सेल में सॉल्यूशन में जो Q प्लस M है इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है और अपने रिड्यूस होने की टेंडेंसी की वजह से वहां रिड्यूस होंगे और जब वहां रिड्यूस होंगे तो रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. Q प्लस M अपने रिड्यूस होने की टेंडेंसी की वजह से रिड्यूस होते जाएंगे और रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और रिड्यूस होते जाने से सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन जिनको छोड़कर यह रिड्यूस हुए हैं वह सॉल्यूशन को नेगेटिवली चार्ज बनाएंगे. इस तरह से वहां पर रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप होता जाएगा और यह रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ता भी जाएगा. रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Q प्लस M आयन वो तो फिक्स रहना है क्योंकि वो तो केमिकल प्रॉपर्टी है आयन की. जो पहले आयन की प्रॉपर्टी वही दूसरे आयन की प्रॉपर्टी वही तीसरे आयन की प्रॉपर्टी है सभी आयन की रिडक्शन पोटेंशियल वाली जो प्रॉपर्टी वो फिक्स है. मगर उनके रिड्यूस होने से रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है
और बढ़ते जाने से अल्टीमेटली यह इतना अधिक हो जाएगा कि वहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश होना। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हम यदि इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मेजर कर लें, तो रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्यू प्लस एम होगा, जिसे हम इस तरह से डिनोट कर सकेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो भी कुछ रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें दिख रहा है, जो भी कुछ मेजर हो रहा है, वही रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन होगा। मगर यह जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन है, यह तीन फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। इस डिपेंडेंसी को अकाउंट करने के लिए हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल बनाते हैं। वन मोलर QCLM ले लें, इसमें वन मोलर Q प्लस M आयन होंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें और 1 एटमॉस्फियर प्रेशर रखें। इस कंडीशन पर बनाए हुए सेल को हम स्टैंडर्ड Q हाफ सेल कहेंगे। इस स्टैंडर्ड Q हाफ सेल में जो डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हुआ और उस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो रिडक्शन पोटेंशियल मेजर हुआ, उसे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्यू प्लस एम कहेंगे, विच वुड बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ क्यू प्लस एम टू क्यू। एंड दिस टू वैल्यूज, दिस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्यू प्लस एम, this is a reduction potential of Q plus M at standard condition or standard reduction potential of Q plus M, they may be related by Nernst equation. And that Nernst equation is reduction potential of Q plus M at any random condition is equal to standard reduction potential of Q plus M minus RT by NF ln of equilibrium constant definition of this Q to Q plus M. ये natural log है, means log to the base E. इसको हम log to the base 10 में लिख देते हैं, E of Q plus M to Q is equal to E naught of Q plus M to Q minus 2.303 का फैक्टर है, कई जगह पर हम इस फैक्टर को लगा चुके हैं, NF log to the base 10 हो गया Q by Q plus M, सॉरी n नहीं लिखूंगा इस जगह पर, मैं मैंने n लिखकर गलती कर दी है, इधर मैं लिखूंगा m, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज m, n लिखकर गलती कर रखी है मैंने, इधर सुधारा इसको m, हियर m इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे वह सब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिए जाएंगे। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड देयर इज 2.303 आरटी बाय एफ, इट्स 0.0591, हेंस आई मे री राइट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्यू is equal to standard reduction potential of Q minus 0.0591 by M log of Q upon Q plus M।
one can always write this equation at 25 degree centigrade. That's how we may conceptualize reduction potential of any reducible species. The answer is okay.